देखते हैं ना रूट्स के बारे में समझ लिया हमने दो तरह के रूट्स कौन कौन से टाइप ऑफ रूट्स और टाइप ऑफ रूट्स है ना टाइप ऑफ रूट्स सिस्टम इसमें आपको और फिर है ना एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं आपको ना देखिए अब चलिए ये बताइए जरा ये कौन सा रूट है आपके आपने कैसे टैप रूट या फाइबर रूट जो आपने स्टेटमेंट दिया कैसे किस भी आपके टैप रूट के बारे में ये बोला था इसका एक पोर्शन है ना एकदम नीचे की तरफ जाएगा इसमें जरा देखिए कोई एक पोर्शन जो रूट का है क्या वो एकदम ऊपर से लेके नीचे तक जा रहा है ये वाला निकला ऐसे 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 नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है क्या मतलब हुआ ये फैला है नहीं फैला है दैट डजंट मैटर है ना फैल भी जाए कोई मतलब नहीं एक पोर्शन जो शुरू वाला निकलता है वो सीधे नीचे जाना चाहिए अगर वो नीचे गया तो टैप रूट हुआ नीचे नहीं गया फैल गया तो अगर ये नीचे भी जा रहा है और फैल भी गया है तो भी टैप रूट नीचे गया है ना ठीक है ओके चलिए आगे देखते हैं अच्छा ये देखिए आपको नहीं मिलेगा कि सीधा एकदम गया है क्या नहीं ना यहाँ से रूट जो है देखो यही से कई रूट बन गए हैं एफ रूट में क्या होता है शुरू में एक मोटा रूट होता है उसके बाद ब्रांचेस निकलती है और वो जो मोटा रूट होता है ना वो सीधे नीचे चला जाता है पतला होने के नीचे चला जाता है लेकिन इसमें आपको वो कंडीशन दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है ये हमारा फाइबरस रूट सिस्टम है ना फाइबरस रूट हो गया ओके नेक्स्ट ये भी आपको दिख जाएगा बता सकते हो सिंपली हमको समझ में आ रहा है यस टैप रूट है ना सिंपली समझ में आ रहा है हमको ओके नेक्स्ट टैप रूट सिस्टम अच्छा टैप रूट में अब ज्यादा मैं मुझे डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है जब आप कोई भी है ना कोई भी पौधा कब लगता है बेटा जब आप इसके अंदर सीड जमीन के अंदर सीड्स डालते हो तभी वो रूट है ना कुछ ही रूट्स में कन्वर्ट होता है और फिर उसके बाद शूट में कन्वर्ट होता है ना ऊपर का भी हिस्सा निकलता है और नीचे का भी हिस्सा है ना तो जब सीड बेटा सीधे एकदम एक हिस्सा उसका एकदम सीधे जमीन की तरफ जाता है क्या बोलते हैं कौन सा रूट सिस्टम आपको क्लियरली इसमें दिख रहा होगा देखो तो क्या बताया था यहाँ से रूट स्टार्ट हुआ है ना और वो देखो सीधा गया अंदर पहले पत्ता हुआ है बगल में फैला है दैट डजंट मैटर है ना सीधा गया है मतलब टैप सिस्टम है ना टैप रूट सिस्टम ओके देख लीजिए आप ब्लिंक कर रहे हैं ना वो पोर्शन ये पोर्शन अच्छा ये पोर्शन इसको छोड़ दीजिए ना ये कोई मैटर नहीं करता है ठीक है दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द टैप सिस्टम किस तरह का जब अरेंजमेंट आपको मिलेगा वो टैप सिस्टम है ठीक है ना अच्छा इस तरह का जो रूट सिस्टम होता है ना बेटा इस तरह का रूट सिस्टम टैप सिस्टम ये अक्सर आपको बड़े बड़े जो पौधे होते हैं ना बड़े बड़े जैसे मैंगो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनमें अक्सर यही रूट सिस्टम आपको मिलता है ऑलमोस्ट अगर आम का पेड़ कहीं गिरा हो ठीक है तो ये मत सोचो कि वो सब खत्म हो गया जितना उसका ऊपर उतना ही ऑलमोस्ट नीचे भी जमीन के अंदर रहता है वो रूट जो है ना काफी नीचे तक जाता है ना और एक रूट ऐसा होता है जो एकदम सीधे जमीन में चला जाता है ठीक है अच्छा देखिए जब टैप रूट सिस्टम में जब क्या होता है जब बीज हम डालते हैं जब सीड्स हम डालते हैं सीडिंग करते हैं तो शुरू में होता क्या है ये चीज कंडीशन आता है एकदम शुरुआत में जब आप आम की गुठली को जमीन में डालते हो तो आम का पौधा निकलता है तो होता क्या एक्चुअल में फर्स्ट नाइन डे रूट जो है एकदम सीधे चला जाता है वही रूट बढ़ जाता है ना और उसी को फिर टैप होते हैं ऐसा नहीं है वो बाद में निकलता है फर्स्ट टाइम वही ग्रो करता है फिर बाद में ये वाला पोर्शन दिया जाता है फर्स्ट टाइम ये ग्रो करता है अंदर उसके बाद ये शूट निकलता है फिर ये वाले पोर्शन आ जाते हैं और फिर यही सब अपना साइज बढ़ाने लगते हैं धीरे धीरे क्लियर आगे देखते हैं पी है ना पी भी एक तरह का पौधा है मतलब पेड़ है मैंगो ओके ग्राम्स ग्राम्स है ना अरहर का है ना अरहर का सॉरी चना चना है ना चना
तो चना का आपने पौधा देखा है? खाने का फली होती है ना, इसका भी रूट सिस्टम कैसा होता है? वैसे एकदम नीचे गया होता है ना। चलिए आगे देखते हैं, फाइबर रूट सिस्टम के बारे में जरा देख लिया जाए। ये हमने देखा था, देखते ही कोई भी बता देगा ये फाइबर रूट सिस्टम है क्या? हाथ से टच करके बता सकते हो इसको? नहीं, लेकिन अगर ये मैं आपको रूट्स ला के दे दूं, ये आंख बंद कर लो, ये फाइबरस रूट मेरे पास दो रूट्स है, आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते? टच करके बता सकते। अच्छा, एक रूट एकदम सीधा गया है, हाँ ये टैप रूट है। अच्छा, सीधा रूट नहीं गया है, फाइबरस रूट। क्लियर, बता सकते हो? जो रूट्स होता है ना बेटा, फाइबरस में जो भी इधर ध्यान दो, फाइबरस रूट सिस्टम में जो रूट होता है वो अक्सर क्या होता है, ऑलमोस्ट जितना प्लांट का साइज होता है ना उतना ही रूट का भी साइज होता है ना। देयर रूट स्ट्रेट फ्रॉम कॉमन प्लांट एंड आर अबाउट द सेम साइज ना। जैसे मान लो खूब बड़ा सा पेड़ है बरगद का, लेकिन रूट उसके मुकाबले में कम होता है। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं ऊपर जितना उतना ही जमीन के अंदर भी, जैसे आप गाजर मूली देख रहे हो, ऊपर जितना जमीन के अंदर भी उतना ही है ना। फाइबरस रूट सिस्टम में यही होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फाइबरस रूट सिस्टम किसमें पाया जाता है ना, सबसे जरूरी चीज है इसमें हम देख लें। देखो वीट मतलब गेहूं है ना, और देखेंगे मैस का मतलब सबको मालूम है। अगर आपको मौका मिले तो इन सारे के रूट्स को आप जरूर देखिएगा ना आपको अच्छे से। ठीक है, पार्ली पार्ली भी एक उसी तरह से गेहूं की तरह होता है ना, उसका भी वही होता है। और ग्रास हाँ, जो सिंपल घास होता है, इन सारे के अगर आप रूट को निकालोगे बेटा, उखाड़ोगे तो आपको कहीं भी एक ऐसा रूट नहीं मिलेगा जो एकदम सीधे गया हो। इसी तरह से देखो, सबका रूट फॉरवर्ड यहाँ पे हमको दिख रहा है ना। घास कभी उखाड़े हो आप लोग? जब खड़ा होगा घास इसी तरह से रूट फैला होता है। अच्छा, गेहूं हुआ, धान हुआ, बार्ली हुआ, वीट हुआ, मेलन है ना, है ना। अच्छा, इसमें भी चना जो होता है वो रूट सिस्टम, उसका टैप रूट सिस्टम होता है, उसका रूट एकदम नीचे जाता है, वो अलग हो जाता है। लेकिन गेहूं चावल इनका उखाड़ोगे तो रूट आपको ऐसा दिखेगा, राइट। अच्छा, एक चीज और समझ लो, अब बताओ कौन सा रूट सिस्टम मजबूत होना चाहिए, टैप वाला या फाइबरस वाला? फाइबरस वाला, टैप वाला, फाइबरस वाला, टैप वाला, टैप वाला, टैप वाला। चलिए, तो इस कंक्लूजन पे हम पहुंच गए, अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब ये रूट के ये देखिए सिंपली लग रहा है ना कि टैप सिस्टम है। यस सर, वन एक एक पार्ट को यहां देखते हैं। ठीक है ना, ये फिगर सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस, लेटरल रूट, ये देखो, ये लेटरल है ना। देखो इसके बहुत सारे पार्ट को आपको दिख रहे हैं ना, ये एकदम सीधा जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे? फिर अगल बगल जो निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे? सबसे नीचे वाला, एकदम जो नीचे वाला है उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, वन बाय वन हम देखते हैं। ठीक है, ये देखो प्राइमरी जो नीचे जाता है ना, तो हमें समझ में आया कि वो कौन सा रूट होता है। प्राइमरी आपको शुरू में बताया मैंने,
कि नीचे कौन जाता है वही जो ऊपर से एकदम आता है ना वही नीचे चला जाता है। इधर उधर है ना, इधर उधर क्या होते हैं फैल जाते हैं और भी कुछ फैल जाते हैं, लेकिन जो प्राइमरी रूट होता है वो कहाँ इस पर नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, अच्छा उसके भी भाग होते हैं ना। अगर आप मूली या गाजर को निकालोगे, मूली या गाजर को अगर आप है ना निकालते हो तो कैसा उसमें ना रोए के जैसा होता है, रूट शेयर हो गया। अच्छा मूली और गाजर एक्चुअल में क्या है, रूट है, जड़ है वो, पौधे पौधा का फल नहीं है वो जड़ है, हम जड़ को खाते हैं। और इसमें क्या दिख रहा है बेटा, रूट टिप रूट कैप है ना, रूट टिप के नीचे नीचे रूट टिप और रूट कैप, जहाँ पे रूट खत्म हो जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, रूट कैप। नीचे खत्म हो गया उसको हम रूट कैप बोलेंगे। अच्छा जोन ऑफ मर्ट जोन ऑफ, अच्छा ये देखो ये जोन्स होते हैं रूट्स के लिए, ये जोन्स होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा ऊपर वाला हिस्सा, फिर ये यहाँ से लेके ये वाला हिस्सा, यहाँ से लेके ये वाला हिस्सा है ना, ये आपके अभी सिलेबस में नहीं आएगा। ठीक है, ये आगे की चीज है, आगे देखते हैं हम लोग। ये बताइए कौन सा रूट है, दिख रहा है समझ में आ रहा है या फिर ये मुझे लग रहा है लहसुन है, लहसुन लहसुन है ना, प्याज ये बताइए जरा देखो अच्छा, इसको आप सामना लेके चल सकते हो, ये स्क्रीन क्या हुआ है ना, स्क्रीन समझ में आया क्या होता है, बोलते हैं उसको स्क्रीन है ना, अच्छा सबको समझ में आ रहा होगा, चलिए आगे देखते हैं। गाजर है कि रूट है, ये रूट है, रूट है, कौन सा रूट, गाजर है। यस ये बताइए फाइबर्स, देखो कहीं सीधा गया है, अच्छा ईक जो होता है ईक, अच्छा गाजर रूट, गन्ना लेफ्ट रूट है, गन्ने को क्यों खा रहे हो, रूट है, क्या मिलता है सीधा ऐसा नहीं उठाने का भी एक तरीका होता है ना, एक तरीका होता है, पहले उसको ऐसा हल्का सा झटका देके नीचे कर दो, ऐसे कितना जोर लगाते रहोगे नहीं फटता है ना, तो गन्ने का इस तरह से होता है। चलिए अब बताइए, यस ये तो दिख रहा है हमें, क्या मूली मूली जैसा लग रहा है, ये मूली है ना, फाइनली ये क्या है हमारा, ये पूरा मूली तो है। अगर समझे मूली जब आप खेत से निकालोगे ना तो उसमें ऐसे छोटे छोटे उसको क्या क्या किया जाता है, जैसे हाथ से गुना सही कर दिया जाता है, ये साफ हो जाता है, ये हमारा मूली है। टैप रूट सिस्टम, ओके नेक्स्ट, चलिए बता दीजिए कौन सा रूट, यस के बारे में समझ चुके हम, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है ना, रूट्स के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, उसको आप समझेंगे ना, रूट्स के किस पार्ट को क्या बोला जाता है। आर यू गेटिंग मोर, चलिए मॉडिफिकेशन है ना, मॉडिफिकेशन आप रूट समझे, कुतरा मिला मॉडिफिकेशन ऑफ, चलिए देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ रूट देखिए बेटा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है ना, the root may show modification in their shape, size, structure and function, adapt to two various conditions, continuous है ना, मॉडिफिकेशन मतलब क्या है ना, पहले समझ लो, देखो देयर शेप साइज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इन चारों के विभाग में जब हम इसको अलग अलग कैटेगराइज करेंगे तो उसी को मॉडिफिकेशन कहते हैं, है ना।
मॉडिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप एक रूट देखेंगे और उसके अलग अलग पार्ट के अलग अलग किस हिसाब से उसको आप एक दूसरे से अलग बोल सकते हैं, ये रूट इससे अलग है किस भी आप पे, तो इस भी आप पे है ना। ओके, अब देखो इतने सारे, इधर देखिए इधर देखिए, इतने सारे कैटेगरीज है जिसके भी आप पे आप रूट को मॉडिफाइड कर सकते हो, ठीक है। पहला कोल्ड स्टोरेज है ना भाई, कोई रूट जो है क्या हमारे लिए रूट का काम कर सकता है, हमारे लिए फूल का काम करते हैं, गन्ने का फूल जो होता है कुछ काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ऑनियन का रूट वही असल काम करता है, लहसुन का रूट गार्लिक असल काम वही करता है, रेडिश और कैरेट ना। ओके, उसके बाद क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग का मतलब कैसे वो फैल रहा है ऊपर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन ऑफ फूड फ्रॉम हॉर्स प्लांट, अब देखो ये चीज सेवन वालों को अच्छे से मालूम होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एक प्लांट दूसरे प्लांट से अपना खाना बना लेता है, यस सर, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम होस्ट प्लांट, होस्ट मतलब उसके आसपास जो प्लांट है ना, उससे उसने अपना सारा एनर्जी ले लिया, खाना बना लिया, ठीक है ना। ओके, हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, स्ट्रेंज फूड है ना, स्टोरेज फूड, यस सॉरी स्टोरेज फूड, देखो स्टोरेज फूड मतलब बताया था ना मैंने, उसका कौन सा हिस्सा आप डायरेक्ट, उसका फूड का कौन सा हिस्सा आप एज ए फूड यूज कर सकते हो। हमको मालूम है कैरेट, ये कैरेट ये सब क्या है, ये लाल लाल जो हमको दिखता है एक्चुअली तो रूट्स होता है, रूट होता है, तो ये फूड स्टोरेज हमारा फूड हो गया कि नहीं हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, टर्निप, इसको कौन बता सकता है क्या ये, सम रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज, रूट ऐसे मॉडिफाइड किए जाते हैं जिनको स्टोरेज किया जाता है ना, इसको खाने के लिए हम रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे, the tap root of plant such as, अच्छा ये सब क्या है, tap root ही तो है, ये जो संज्ञा में ये क्या है, tap root सीधे जाता है, हमें गोल आपको दिख रहा है ये सीधे जाता है, gum and radish are swollen and fleshy, they are stale, है ना, ये सब ये root जो है ना इनके fleshy होते हैं, fleshy मतलब इनके अंदर कुछ material होता है जिसको खा लेते हैं, राइट। ये सारे जो tap root है, ठीक है, ये हमारे food storage है। Okay. We also eat some root. इसके roots को हम खाते भी है ना बेटा। अच्छा, अब आ जाइए इधर, ये वाले roots में आ जाइए, supporting roots, supporting roots का मतलब होता है बहुत सारे आपने पेड़ देखे होंगे जिनके roots बाहर होते हैं, ठीक है, कोई एग्जाम्पल बता सकते हो मुझे, जड़ का मतलब ही होता है अंदर नीचे जो दिखाई नहीं देता है, मैं आपको मैथमेटिक्स में बोलता हूँ ना, रूट, रूट में पहुंचने की कोशिश करो, मतलब क्या जो आपको दिख रहा है ना वो नहीं, इसके पीछे जो छिपा हुआ है उसमें जाने की कोशिश करो, बोलता हूँ आपसे, मतलब क्या नहीं बताए, ओके। तो चलो इधर देखो, कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग ऑब्जर्वेशन है ना, सपोर्टिंग रूट मतलब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, कुछ ऐसे जैसे ये देखो सुगर केन रूट है ना, in plant like sugar cane and maize where the stem is tall and slender, now roots grow downwards from the roots of the stem, plants like sugar cane and maize where the stem is tall and slender, now roots grow downwards from the roots of the stem। अब देखो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी जो एकदम सीधे ऊपर जाती है, सीधे जैसे गन्ना, गन्ना क्या होता है, बहुत सारे आपको पौधे दिखेंगे ऐसे बढ़ा, इधर भी गया उधर भी गया उधर भी गया, लेकिन गन्ना क्या होता है एकदम सीधे जाता है ना, सीधे जाता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, कोई चीज अगर सीधा सीधा पेड़ अगर आप रखोगे तो वो झुकेगा, लेकिन अगर कोई भारी चीज चारों तरफ से फैला हो उसको आप रखते हो तो जमीन पे झुक जाता है,
ये जो गन्ना होता है ये जो इस तरह की चीजें जो मेज होता है जो कुकड़ी होता है उसका उसका भी जो पौधा होता है कैसा होता है एकदम लंबा सीधा होता है जो कभी एकदम सीधा पतला सा होता है एकदम सीधा सा लेकिन गिरता नहीं है तो उसका रूट क्या करता है उसको बहुत सपोर्ट करता है इस तरह से अलग ये टैप कौन सा रूट होता है फाइबर इस तरह से होता है चारों तरफ से फैला हुआ होता है चारों तरफ से और उसको क्या करते हैं सपोर्टिंग ओके नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दे हेल्प टू फिक्स द प्लांट फर्मली है ना ये प्लांट को फर्मली पकड़े रहते हैं अगर मान लो आपने शायद भुट्टे का नहीं देखा होगा इतना सा पतला ये जो आपका पेन है ना स्केच पेन जो होता है ना उससे थोड़ा सा मोटा उसका डबल और लंबाई कितना छिपके उतना है ना और उसके ऊपर फिर उतना 400-500 ग्राम का एक मेज ठीक है लेकिन वो गिरने नहीं देता है तो कौन कौन उसको संभालता है सपोर्ट कौन करता है तो इस तरह के रूट्स को अदरवाइज तो देखो इतना लंबा खुद है उसके ऊपर ऊपर जाके और वेट आ गया तो गिर जाना चाहिए हवा चलता है फिर भी नहीं गिर रहा है ना झुकता है से फिर अपनी जगह पे आता है इस तरह के जितने भी आप पौधे में इस तरह के रूट्स पाएंगे उसको क्या बोलेंगे सपोर्टिंग रूट्स अच्छा सपोर्टिंग रूट्स में और एक चीज आपको दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन किया था कि कोई ऐसा रूट बताओ जो बाहर होता है बर्गर का बाहर देखे अंदर भी होता है बाहर इस तरह का तो हमारे यहाँ इधर ध्यान दो हमारे यहाँ ऐसा बर्गर नहीं मिलेगा क्योंकि जब आप जंगलों में जाओगे तो ये सारे रूट है ये यहाँ से निकला और जमीन के अंदर चला गया इधर मेरी तरफ मेरी तरफ यहाँ भी तो पीछे एक बर्गर लगा हुआ है ना लेकिन उसमें जो रूट है ना बेटा वो जमीन तक नहीं गया है ना वो ऐसे ही लटकते रहते हैं बट किसी को अगर ज्यादा दिन तक छोड़ हो गया तो क्या होता है जमीन के अंदर चला जाता है और इस बर्गर को क्या करता है सपोर्ट करता है बर्गर बहुत ज्यादा फैला हुआ रहता है राइट तो ये सारे रूट निकल जाते हैं हर जगह से और जमीन के अंदर चले जाते हैं और इसको क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं जैसे मान लो आप लोगों ने देखा होगा आम का या लीची का जब पेड़ बहुत ज्यादा फल आ जाता है ना उसके आम आ जाता है झुक जाता है ना उसकी टहनियां झुक जाती है तो क्या किया जाता है बांस लगा लगा के यानी वो बांस क्या हो गया सपोर्टिंग हो गया उसके इसी तरह से बर्गर जब बहुत ज्यादा फैल जाता है बहुत दूर दूर तक फैल जाता है तो उसको सपोर्ट करके टहनियों को सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए कुछ चाहिए अपने आप से सपोर्ट कर लेता है यहाँ से एक रूट निकलेगा वो जमीन में चला जाएगा क्या होगा बहुत मजबूत होगा आपको सपोर्टिंग मिल जाएगा आपको कोई अलग से एक्स्ट्रा कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब ये देखिए सपोर्टिंग रूट्स ब्लैक पेपर ये सारे इधर देखो सपोर्टिंग रूट का एक मैं बताता हूँ सपोर्टिंग इधर बातें चल रही है आप लोगों की सपोर्टिंग रूट और कोई ऐसा प्लांट बता सकते हो आप जिसमें प्लांट अकेले उसके रूट्स बाहर होते हैं और बिना उस रूट के वो खड़ा नहीं हो सकता है और कोई प्लांट दिख रहा है आपको एक प्लांट तो आपके किसी स्कूल में ही है इस तरह के जितने भी प्लांट्स है वो क्या होता है ऐसा ऐसा गोल घूम के इसमें बन जाएगा होता है ना वो क्या है रूट है उसका ठीक है सपोर्टिंग रूट्स बन गया उसका क्लियर ये सारी चीजें देखिए ब्लैक पेपर है ना ये प्लांट है ना इस तरह के जितने भी प्लांट होते हैं जो फैल जाते हैं दीवार पे चढ़ गए घर पे चढ़ गए पेड़ के ऊपर चढ़ गए तो क्या होता है अगर सिर्फ नीचे अगर रूट हो तो कभी उतना ऊपर फैल सकते हैं नहीं तो सपोर्टिंग हर तरफ उनका रूट्स निकलते जाता है ये रूट्स निकला इस पे पकड़ लिया सपोर्ट ले लिया सपोर्ट ले लेंगे वो किसी भी चीज पे चढ़ जाते हैं ये समझ में आया यस सर नेक्स्ट देखते हैं मॉड्यूलेशन ऑफ रूट है ना मॉड्यूलेशन को समझ लो क्या होता है ना रूल्स के अंदर छोटे छोटे मॉड्यूलेशन होते हैं और उनका मतलब क्या होता है ना इस चीज को समझेंगे हम लोग यही देखते हैं ये
ओरिएंटेशन ऑफ म्यूजिकल इसको देखते हैं हम लोग। पहले देख लो है ना, तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा। चलो थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ ओरिएंटेशन क्या होता है। देखो कुछ ऐसे कुछ रूल्स ऐसे होते हैं, सेवेंथ वालों को अच्छे से मालूम होगा है ना, जो हवा में नाइट्रोजन को क्या बना देते हैं, हवा के नाइट्रोजन पढ़ लिया है ना, लेकिन हमें देखो याद नहीं है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है बताओ, राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या काम होता है और किस 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 फ्रूट में होते हैं, कौन कौन से प्लांट्स में होते हैं, जितने भी पल्सेस हैं दाल में, तो दाल में पल्सेस हैं उसमें कौन से जड़ों के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एटमोस्फेयर के नाइट्रोजन को ले लेता है ना, और क्या बना देता है, नाइट्रेट इसके लिए क्या काम करता है, खाद का काम करता है, नाइट्रेट इसके लिए क्या काम करता है, तो ये अपना अपना जो है ना, एक तो आप बाहर से खाद डालते हो और एक जो है ना ये खुद बना लेता है ना, इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, ये देखिए इस तरह के रूट्स होते हैं ना, छोटे छोटे नूडल्स होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, बहुत सारे ऐसे रूट्स होते हैं, जैसे चना, चना आपने देखा ना, चना में रूट सिस्टम कौन सा होता है, टैप सिस्टम होता है ना, लेकिन इसके अंदर ना ये दिख रहा है आपको छोटा छोटा दाने होते हैं, यही अपना नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है ना, आगे देखेंगे आप। अच्छा, इस तरह के प्लांट्स को हम बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, उसको हम लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। ओके, लेग्यूमिनस राइजोबियम बैक्टीरिया व्हिच कैन फिक्स एटमॉस्फेयर इन नाइट्रोजन फॉर मैग्नेटिस सोइल फर्टिलाइजर। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, ये नोडल है ना, नोडल इसमें बेटा लाइन ये देखना ना, छोटे छोटे इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया होता है, जैसे दही के अंदर बैक्टीरिया होता है ना, फायदा वाला बैक्टीरिया है, उसी तरह से इसके रूट के अंदर ये जो नोडल है इसके अंदर बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जिसका नाम होता है, वो क्या करता है, आपके एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसमें बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे रूट्स होते हैं, रूट्स को हमने दो तरह से कैटेगराइज किया था, टैप रूट और ट्राइजर रूट। अब ऐसे रूट्स भी हम देख रहे हैं जिनके अंदर नोडल्स होते हैं, ठीक है ना, तो देखिए किस किस में होते हैं, ये एक पौधा है जिसमें होता है, अच्छा अगर इसमें है तो ये क्या कर सकता है, वो मिट्टी को खुद से वो फर्टिलाइजर बना सकता है, खाद डालने की जरूरत इसके अंदर अगर नोडल्स है जिस पौधे के अंदर, तो आपको खाद डालने की ज्यादा जरूरत नहीं, इसलिए आप देखोगे है ना, जहाँ पे चना बोया जा रहा है वहाँ पे खाद नहीं डाला जाता है, देखा है आप लोगों ने, चना हुआ, मसूर हुआ है ना, इसको क्या किया जाता है, एक बार खाद डालो और उसका बीज भी डालो और उसके बाद छोड़ दो, अपने आप वो क्या करता है, एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, और वो नाइट्रेट क्या करता है, मिट्टी को फर्टिलाइजर बना देता है, आपके भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपने गेहूं बो दिया, राइस कर दिया, राइस बो दिया, हर दिन के बाद खाद लेके दौड़ो, होता है ना ऐसा, इसमें नहीं होता है ना, इसमें एक केस नहीं होता है, बहुत कम। चलिए, तो ये जितने भी आपको देखो मोस्टली इधर ध्यान दो, मोस्टली जो नूडल्स होते हैं ना, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, नूडल्स जिसमें भी आ गया वो कौन सा प्लांट हुआ, लेग्यूमिनस प्लांट, और मोस्टली जो लेग्यूमिनस प्लांट है वो कौन होते हैं, हमारी पल्सेस, ठीक है, जो हम दाल खाते हैं ना, दाल मोस्टली दाल जो होते हैं, दालों के प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट होता है, उनके रूट्स में क्या होता है, नूडल्स,
और वो क्या करता है नाइट्रोजन को क्या बनाता है नाइट्रेट और उसके बाद वो नाइट्रेट हमारे सॉइल को फर्टिलाइजर कर देते हैं फर्टिलिटी उसकी बढ़ा देते हैं क्लियर चलिए अब देख लो कौन कौन है ना इधर से ध्यान दो ये है एक पौधा है आप लोगों ने नहीं देखा है ओके ये है बगल में था ये खाने वाला छोटा छोटा होता है हमारे घर अच्छा ये ग्राउंड नट ग्राउंड नट सबको मालूम है बादाम हाँ बादाम जैसे अच्छा ये मूंग मूंग दाल देखिए इसका मतलब मूंग दाल वो ग्राम ग्राम मींस चना देखिए आप लोग खा गए इधर ध्यान दो ग्राउंड नट मींस मूंगफली है ना मूंगफली कोई बोल सकते हो नीचे अंदर होता है ना तो ये सारे लिग्नस प्लांट है ठीक है ना इसकी जड़ों में ही खाद होता है चलो लिग्नस प्लांट जरा एग्जांपल बताओ कि जल्दी से कौन कौन से अच्छा लिग्नस प्लांट की क्या खूबी होती है क्या होता है उसकी जड़ों में नूडल्स और वो नूडल्स क्या करता है नहीं एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके नाइट्रेट कंपाउंड बनाता है और वो नाइट्रेट कंपाउंड हमारी मिट्टी को क्या बना देते हैं फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं वो नूडल्स सूखा कैसे छोटा छोटे छोटे दाने की तरह इसलिए उसको नूडल्स बोला गया है छोटे छोटे दाने की तरह जो भी होता है उसको नूडल्स बोला जाता है क्लियर यस आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन है रूप अच्छा मॉडिफिकेशन ऑफ रूप ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है ना देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड तो ये क्या है एंटूडर ये प्लांट है बहुत सारे प्लांट्स होते हैं ना आपने देखा होगा एक प्लांट दूसरे प्लांट को ऑब्जर्व करके अपना खाना बनाता है उसको पैरासाइट भी बोलते हैं एक प्लांट है दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ गया और जिसके ऊपर चढ़ गया ना उसमें जो चूस लेगा ठीक है ठीक है इधर ध्यान दो ऐसे भी होते हैं जो रेस्पिरेटरी में मदद करते हैं रेस्पिरेटरी का मतलब मालूम क्या होता है रेस्पिरेटरी का मतलब हुआ पत्तियां क्या लेती है कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बात छोड़ती है इसमें मदद भी करते हैं कुछ इसमें काम करते हैं है ना वो इस तरह के पौधे हमारे पास नहीं होते हैं तो मैं आपको एग्जांपल नहीं दे सकता हूँ अच्छे से चलो अब आगे आते हैं अब क्या बचा हमारा अगला टॉपिक देखते हैं ना अब फंक्शन ऑफ फूड है ना फंक्शन ऑफ फूड क्या है चलिए फंक्शन ऑफ फूड देखिए चलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यस सर रूट अगर नीचे जाने का मतलब क्या है कुछ काम होगा तभी तो गया है सर नीचे सर पानी लेता है सर अदरवाइज क्या मतलब है इतना वाटर होटल ना सिर्फ वाटर ही लेता और बहुत सारे पीनर क्रीम ठीक है वन बाय वन हम देखेंगे प्राइमरी फंक्शन चलो ध्यान दीजिए यार प्राइमरी फंक्शन का प्राइमरी का मतलब होता है जो सबसे जरूरी चीज है ना आप लोगों ने सुना प्राइमरी स्कूल प्राइमरी स्कूल प्राइमरी का मतलब सबसे जरूरी सबसे पहला जो आता है उसी को प्राइमरी बोलते हैं प्राइमरी स्कूल नहीं होगा तो क्या कोई पढ़ पाएगा अचानक भी कोई जाके सिक्स में तो जिसका नाम नहीं आप लिखवा सकते हो ना इसीलिए सबसे जो पहले आते हैं उसको हम प्राइमरी बोलते हैं ठीक है ना चलिए चलिए इधर देखते हैं तो प्राइमरी फंक्शन सबसे पहला फंक्शन सबसे बेसिक फंक्शन क्या है रूट्स का है ना फिक्सेशन है ना ये तो सबको मालूम है भाई रूट्स क्या करता है बताइए जरा फिक्सेशन है ना फिक्सेशन का मतलब पौधे को फिक्स करता है एक जगह पे जैसे मान लो ये जो बिल्डिंग है इसमें इस पिलर का क्या काम है
ओके सर वो फिक्स कर दो बिल्डिंग को फिक्स कर दिया अभी शायद उनका धक्का दोगे नहीं कर रहे सब काम निकल जाएगा इस पोजीशन पे पोजीशन पे रहेगा ब्लॉक उसका जो सबसे प्राइमरी काम है वो क्या करना सेशन उसके बाद देखो एब्जॉर्प्शन है ना देखो एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन करता है ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन अब देखो सिर्फ है ना समझते जाओ जरा प्राइमरी फंक्शन क्या होता है फिक्सेशन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और भी कुछ होता है देख अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या कोई चीज ऑब्जर्व करेगा तो अपने पास थोड़ी देर रखेगा दूसरे को देगा उसको पहुंचाएगा भी यस सर कहां पे पहुंचाएगा ऊपर वाले हिस्से को अंदर में आप पानी जब भी डालते हो पौधों में उसको पत्तियों में डालते हो कि जड़ों में डालते हो लेकिन वो पानी जाता कहां पे पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होने के लिए पानी का होना जरूरी है यस सर पत्तियों के अंदर मिल जाता है ना यस सर यानी पानी यहां पे डाला और पहुंच गया यहां मतलब ट्रांसपोर्टेशन हुआ कि नहीं यस सर ये कौन कराता है जड़ कराते हैं जड़ एब्जॉर्ब भी करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है फिक्स भी करता है प्लांट का एक जगह फिक्स कर दिया अब प्लांट इधर से अगले आज रात को या कल रात को वहां के नहीं चला जाएगा फिक्स हो गया ठीक है इधर देखो चौथा फंक्शन चौथा रूट्स का चौथा फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए बहुत फायदे का काम होता है जहाँ भी आप देखोगे नदियों के किनारे नदियों के किनारे आप देखोगे तो पौधों को लगाया जाता है वो पौधे जिनके जड़ बहुत मजबूत है ना मिट्टी को पकड़ के रखते हैं ऐसा लगता है कि किसी ने मिट्टी को पकड़ लिया है ना तो होल्डिंग द सोइल ना मिट्टी को पकड़ के रखने के लिए ये काम में आता है अच्छा चलिए देखिए सेकेंडरी फंक्शन प्राइमरी फंक्शन हमने पढ़ लिया क्या क्या आया था किसी को याद है सेकेंडरी फंक्शन में हम देखते हैं क्या क्या होता है ना सर्टेन प्लांट रूट आर मॉडिफाइड ऑन सेकेंडरी फंक्शन ये ऐसे रूट है जिनका जिनको हम एज ए फूड स्टोरेज कर लेते हैं जैसे उसमें कौन सा है गाजर जैसे मूली है ना ये भी ये सेकेंडरी फंक्शन है ये प्राइमरी नहीं है ना मतलब यहाँ तो सबसे पहला फंक्शन नहीं है ये बाद में आता है मैकेनिकल सफर होगी चलिए इधर ध्यान दो इधर अब देखो एक को तो हमने फूल के फूल ले लिया एक जड़ से गाजर के जड़ से हमने फूल ले लिया और जो बर्गर होता है उसका जड़ क्या करता है मैकेनिकल सपोर्ट देता है देखो ये बर्गर है बहुत दूर तक फैल जाता है ना उसकी टहनियां नीचे की तरफ आने लगती है तो क्या करता है रूट होता है वो सपोर्ट देता है ऊपर से रूट ही करता है ना बर्गर एक ऐसा पेड़ है जिसके रूट बाहर नहीं होते यहाँ से रूट निकलेगा और जमीन की तरफ चला जाएगा ठीक है और वो क्या करेगा मैकेनिकल सपोर्ट देगा सपोर्ट बन गया उसके लिए और सपोर्ट सपोर्ट देने लगा है ना मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है ठीक है नेक्स्ट अच्छा और भी जैसे अभी हमने पढ़ा था कौन सा था मेज है ना मेज उसके रूट्स क्या करते हैं उसको सपोर्ट देते हैं शुगर केन के रूट्स क्या करते हैं सपोर्ट देते हैं शुगर केन देखो लंबा होता है लेकिन गिरता नहीं जल्दी उसके रूट्स क्या करते हैं सपोर्ट इस तरह से स्ट्रक्चर होता है उसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है डेप्थ या फाइब्रस रूट फाइब्रस रूट जो होते हैं ना वो लंबी चीजों को सपोर्ट देते हैं क्यों चारों तरफ फैले रहते और जो नीचे की तरफ से जाता है वो सपोर्ट नहीं देता है वो गिर सकता है ऐसे ठीक है ये सब